अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपने न्यू स्टैंड मिक्सर का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ। चूँकि आपको पता है कल मेरा स्टैंड मिक्सर ख़राब हो गया था, मैंने आपको कहा था कि मैं अपने नए स्टैंड मिक्सर का रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जनाब मेरा अनपैक कर रही हूँ, इसका बबल रैप है, इन्होंने बड़ी अच्छी पैकिंग करके भेजा जहाँ से मैंने मंगवाया है। मैं डिटेल आपको सब बताऊँगी आखिर में कि मैंने कहाँ से मंगवाया है। और यही सेम प्रोडक्ट जो है वो 4 से 5 वेबसाइट्स में बड़ी डिफरेंट प्राइसेस पे लगी हुई है और बड़े ही मतलब मैंने वहाँ से लिया जहाँ से सबसे कम प्राइस पे मुझे ऑनलाइन रिसीव हुई है। इन्होंने ये बबल रैप करके भेजा था, पूरे जो कार्टन है उसका, उसके बाहर डबल बबल रैप था और जिसकी वजह से बड़ा अच्छा सेफ तरीके से पहुँचा है और मेरे ख्याल में इसकी कोई DC चार्जेस भी नहीं थे। तो चलें जी इसको कार्टन से अनपैक करते हैं। कार्टन के ऊपर जो है इसको मैं नीचे रख लेती हूँ, ऊपर से शायद आपको नज़र नहीं आएगा सही से। तो सबसे पहले इसके अंदर से ये वाइट जो है इसकी रैपिंग निकली है, उसके इसके अंदर इसका ये गाइड बुक भी मौजूद है सारी, जिसमें आपको सारी जो है वो अटैचमेंट और चीज़ों के बारे में बताया गया कि कैसे किस तरह से चलनी है चीज़ें। इसके अंदर से ये सेकेंड जो निकला है इसकी ये अटैचमेंट है ये डो मेकर की, ठीक है। ये भी इन्होंने अलग अलग हर चीज़ की जो है वो रैपिंग की हुई है। इसके बाद इसके अंदर ये के हुक है इसकी, जो के बिस्किट्स वगैरह में और बटर क्रीम वगैरह बनाने में यूज़ होती है। और ये जनाब ये मशीन को मैं बाहर निकाल रही हूँ, ये मशीन भी सारी पैक हुई हुई है और इसको मैं ऊपर रख लेती हूँ वापस। ऊपर रख के आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी। ये देखें ये एक बड़ा रैप हुआ हुआ है, इसको रैपर मैंने उतारा और इसके अंदर ये इसका जो है जग है और ये अच्छा खासा बड़ा जग है, आई गेस ये 10 लीटर का जग है। और ये इसका जो है बटन है जहाँ से इसको इसको लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो ये ओपन हो जाता है इसका। उसके बाद ये इसकी जो है कवर है इसके बाउल का, जहाँ पे आप इसको लगा दें तो आपका जो अंदर से मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलता। ये इसका रिस्क है जो इसके अंदर थर्ड अटैचमेंट है, 3 अटैचमेंट्स होती हैं टोटल। ये इसका कवर है जो आपके इसकी जो जहाँ पे अटैच होना है यहाँ पे इसके ऊपर लगना है। ये इसका बाउल है, बाउल के साथ हैंडल भी है जो कि मेरे पहले स्टैंड मिक्सर में मौजूद नहीं था। ये 5 to 10 लेवल्स हैं इसके अंदर रिस्क बनाने के, रिस्क जो चलता है इसके 10-7 लेवल्स हैं और 1 से 4 तक जो हैं इसके डो मेकर के लेवल हैं और 1 से 7 तक जो इसकी के हुक का लेवल है। स्विच इसका 3 शू है इसके आगे, तो मेरे पास 3 शू जो इधर वो उसका नहीं है तो मैं इसके आगे अटैचमेंट लगा के इसको चला के दिखाऊँगी आपको। और ये जनाब इसका ये रिस्क चला के देखते हैं, बड़ा इजी टू यूज़ है और इसके अच्छे लेवल्स हैं। मेरी जो पहले वाली मशीन है वो मैंने 3 साल पहले 9,500 की ली थी, उसके अंदर डबल बाउल से एक प्लास्टिक का ब्लैक बाउल था और एक सिल्वर स्टील बाउल था, वो 6 से 7 लीटर्स की थी। ये बड़ी है, उससे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ये देखें इसके जो फर्स्ट लेवल है कितना स्लो चल रहा है और इसकी ये थोड़ी सी लाइट भी ऑन हो रही है इसके बटन के पास, तो ये देखें स्लो है। जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ाती जाऊँगी तो ये 7 लेवल्स हैं इसके, 8 आई गेस 7-8 लेवल्स हैं और ये काफ़ी तेज़ जो है वो चल रही है। देखें लेवल्स बढ़ाते जाए और तेज़ होती जाएंगे। अच्छा ऑल दो इसका रिव्यू अच्छा है, मुझे इसकी अच्छी लगी सारी। ए स्कूल इसका ब्रांड है, ACEKOOL ए स्कूल इसका ब्रांड है। और मैंने जहाँ से ख़रीदा है वो मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने इसको देखा था एक वेबसाइट में जिसका नाम है वर्सैक, और मैं मुझे लगा कि मुझे इसको पूरा रिसर्च करना चाहिए कि ये कहाँ से सबसे ज़्यादा सस्ती मिल रही है। तो मैंने इसको 4-5 जगह से टैली किया तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा सस्ती इसी ही जगह से मिल रही है। मैंने इसको दराज पर सर्च किया, मैंने इसको ए स्कूल के अपनी वेबसाइट से सर्च किया, उसके अलावा मैंने एक दो जगह से और सर्च किया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें जनाब सबसे पहले दराज में 23,500 की मिल रही है,
ठीक है। दूसरे नंबर पे ये ए स्कूल का अपना ब्रांड है, जहाँ पे ये $95.99 की आपको मैंने देखे मिल रही है, और ये अभी भी 27,000 की है। ये बेक हाउस से 28,000 की है, तो हर जगह से ये महंगी ही मिल रही है। वर्सेक मैंने इम्पोर्टेड कलेक्शन है ये इनका, जो है दोनों जगह इनका, हर जगह इनका आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है, यहाँ पे इनकी पूरी वेबसाइट भी है। यहाँ से मुझे 18,500 में मशीन मिली है, 18,500 की, जो कि हर वेबसाइट से सबसे ज़्यादा सस्ती यहाँ से मिली है। अब इनके पास तीन तरह की कलेक्शन है, 15,500 वाली भी है इनके पास, और इनके पास 18,500 वाली भी, 21,500 वाली भी है। ये देखें 18,590 इसकी टोटल थी। मुझे लिए हुए इसको 1.5 महीना हो गया, और आप इसको देखें डिफरेंट कलर्स में, ब्लैक है इसमें, मरून है, और इसमें सिल्वर भी है, ब्लू भी है। मुझे ब्लैक पसंद थी इसलिए मैंने ब्लैक ली। तो मेरी ये वीडियो मैंने आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सा स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हैं। सो मैंने कहा कि मैंने न्यू लिया है, तो मैं न्यू आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूं। काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।